Beautiful card? No. Yes, it's beautiful. Look at you. Look, look. Same. What is that, brother? A man of chief present is this. A man of chief present is this. A man of chief present. Oh, I'm not really. Happy birthday. Thank you. And my present is... The last person which is from me is this one. Yeah, I don't. My present. Oh, Chita. This is my present for Chita. It looks like a swag way. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज 15 जुलाई है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए सुबह से सब लोग बहुत एक्साइटेड है। शाम को हम लोग पार्टी कर रहे हैं। पार्टी मतलब बहुत सारे लोग नहीं, मेरी एक ही फ्रेंड है उधर, वो आ रहे हैं, उसका फैमिली आ रहा है और हम लोग सब मिलकर केक कट करेंगे। और मैंने आज कुछ स्पेशल कुछ नहीं बनाया है क्योंकि उसका एक रीज़न है, मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। और इसलिए बाहर से हम लोग ऑर्डर करेंगे शाम को। फिर आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने चुंगसी को क्या, मेरे बेटे को क्या क्या गिफ्ट दिया है। उसमें एक स्पेशल गिफ्ट है, मेरी बेटी ने दिया है, वो सबसे बेस्ट गिफ्ट है क्योंकि चुंगसी को फ़ोन का बहुत शौक है, अभी उसको फ़ोन बहुत चाहिए अभी। लेकिन हम लोग क्या स्कूल में देते हैं, लेकिन स्कूल से जब आते तो हम लोग फिर नहीं देते, फिर मैं उठाकर रखती हूँ, फिर दूसरा दिन स्कूल जाते उसी समय देती हूँ अभी। इसलिए उसको बहुत दुख होती है, खुशी को ऐसा क्यों कर रहे, इसलिए उसने एक फ़ोन बनाया। देखो ये फ़ोन है ये पकड़ने के लिए, ऐसे पकड़ लो, ऐसे देखो, ऐसे पकड़ लो फिर ऐसे बात कर लो। इसलिए उसने भैया के लिए एक गिफ्ट बनाया है और चुंसी को बहुत हंसी आ गया देखकर, उसको पसंद भी आ गया। कल संतोष का तिथि के हिसाब से उसका बर्थडे था और संतोष के लिए एक स्पेशल गिफ्ट उस दिन बनाया था उसने, ये है ये है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है टाइम मशीन। क्योंकि उसको ऐसा लगता है पापा एज हो रहे हैं, उसको हम लोग कभी भी एज नहीं हो जाओ ऐसे, अगर एज हो गया तो टाइम मशीन में बैठकर फिर से यंग हो जाओ वैसा है। इसलिए उसने ये, और खुशी के साथ वो कभी कभी ट्रैवल में मिस हो जाता है ना, वो इसलिए वो बोलती है ये टाइम मशीन में बैठो फिर वो सारा रिपीट हो जाता है, फिर वो खेल सकते हैं वैसा, इसलिए उसने टाइम मशीन बना दी। मैं बोलती वो कितनी अच्छी से बनाया है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आजकल के बच्चे हैं बहुत ही ब्रिलियंट है, ऐसा है। और आप लोग देख सकते हैं इधर उसने
कार्डमम ऐसा रखा है, वो पहले इथर था और चुंगसी ने वो निकाल दिया, फिर उसने वो रोना शुरू किया तो फिर उसने इधर चिपका दिया, लेकिन वो इधर था। वो क्या बोलते हैं, ये कीबोर्ड है, मतलब कीबोर्ड या बटन, मतलब उससे दबा दिया तो उसमें एक पासवर्ड, इधर एक पासवर्ड आ जाएगा, फिर ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, फिर मशीन वर्क हो जाएगा। फिर ये है कुछ खाना पीना के लिए लेके जाए, उस मशीन के अंदर बैठकर खाना है तो कुछ इधर से ऑर्डर कर लो, वो है। फिर ये है बैठने का, ये खोल दो, इसके अंदर बैठकर फिर सीट बेल्ट डालो, ये उसमें सीट बेल्ट है, ये ओपन करो, फिर ये सीट बेल्ट निकाल दो, अपने बॉडी पे लगा दो, वो सीट बेल्ट है। फिर उधर एक बैलून भी उसने रखा है, मतलब वो जब वो मशीन वर्क हो जाए, ऑन हो जाता है ना, ये पैराशूट है, ये बड़ा हो जाएगा, उसी हिसाब से वो फ्लाई करेगा। फिर इधर क्या है, ये भी कुछ उसने बोला, मैं भूल गया। फिर ये है मतलब इंटरनेट कनेक्शन, मतलब वो सारा ये क्या बोलती है, नेटवर्क के लिए, हाँ ये नेटवर्क के लिए उसने एंटीना जैसा कुछ तो फिट किया है, उसमें सारा किसी से अगर उसमें स्टक हो गया तो किसी से बात करने के लिए वो इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा कुछ तो उसने बोला है, वही है, वैसा है। उसने एक छोटा सा बनाया लेकिन बहुत ही बहुत मुझे क्यूट लगा। एक्चुअली ये बॉक्स था, उसकी फ्रेंड ने उसको बर्थडे में गिफ्ट दिया था, देखो एक कैमरा गिफ्ट दिया था, उसने वो यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने वो सारा चीज़ यूज़ कर उसने, देखो उसने ऐसा छोटा सा, जब बच्चे ऐसे कुछ ना कुछ करते तो ना इतना अच्छा लगता है, उनका इनका क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना सोचा है, पापा अगर एज हो गया तो वापस आने के लिए, मतलब बहुत बहुत इमोशनल हो गया था जब वो पहले बना दिया तो हम दोनों। एक और बात है, आज की व्लॉग में मैं हिमा दास को कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिमा दास ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 400 मीटर में किसी ने गोल्ड मेडल्स लिया है, वेरी प्राउड ऑफ हर, और उसकी कोच को भी, क्योंकि आजकल इतना अच्छा कोच मिलना बहुत मुश्किल है, और इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की फील है। और हमारे घर में भी एक एथलेटिक्स चैम्पियन, इधर का स्कूल, उसका स्कूल में वो एथलेटिक्स चैम्पियन है, मेरी बेटा आज उसका बर्थडे है तो उसका एबिलिटी भी मैं बोलना चाहती हूँ इस व्लॉग में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये सब चुंगसी का मेडल है, ये खुशी का है, क्योंकि चुंगसी को हर बार मेडल मिलता है, खुशी को थोड़ा गुस्सा आता है, उसको कभी भी नहीं मिलती है, वो पढ़ने में खुशी थोड़ी पढ़ने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, सब चीज़ में नहीं है, लेकिन वो हमेशा ऐसा लेकर आते ना, इससे भी ज़्यादा है, और मैं वो हर बार इंडिया जाता तो उधर रख कर आती हूँ। ये सब एथलेटिक्स का है, उसका 400 मीटर 100 मीटर में वो फर्स्ट आता है, वो सब है, और इसलिए खुशी ने अपने आप एक बना दिया और ऐसे डालकर रहते हैं, जब भी वो लेकर आते वो बोलते देखो मेरा भी एक है, ठीक है। वैसे ये सब है बच्चे का, पेरेंट्स लोग ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपना बच्चा कुछ उसका फुटबॉल का भी बहुत सारा ट्रॉफी, लेकिन मैं इसी में ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो इसका उसका अकेले का मेहनत है, मतलब फुटबॉल में बहुत सारा बच्चा खेलते हैं, उसमें हार जो जीता वो, लेकिन ये उसका अकेले का मेहनत है, उसमें बहुत मैं प्राउड फील करती मेरे बेटे के ऊपर। पता नहीं आगे जाकर उसका इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चा है हमेशा इंटरेस्ट चेंज होते आते हैं, लेकिन अभी तक उसका क्या ये है इंटरेस्ट, और हम लोग भी उसी का वो पैशन के लिए, ठीक है। अभी हम लोग शाम को मिलते हैं, क्योंकि इतनी आप लोग देख रहे होगा पूरा पसीना, और इतनी गर्मी हो रहा है इधर, कभी भी इधर इतना टाइम तक गर्मी नहीं होते थे, लेकिन अभी एक महीने से बहुत बहुत गर्मी, बाहर जाना, अभी संतोष खुशी चुंगसी बाहर गई है, मैं नहीं गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मुझसे गर्मी, ठंड कितना भी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन गर्मी मुझसे नहीं होते, बहुत गर्मी है,
और फैन भी इधर एक ही है, वो बैठे का रूम में रखा है, क्योंकि ज़्यादा फैन लिया तो भी, टेबल फैन लिया तो भी फिर सम एक ही एक क्या दो महीने का ही काम है, फिर यूज़ नहीं होता, इसलिए ठीक है हम लोग रात को विंडो ओपन करके सोते हैं। ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं, बाद में मिलते हैं आप लोगों को। अभी हम लोग सब लोग वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं और चुंसी के हाथ में है ये, चुंसी अंदर होने दे, फर्स्ट ओलंपिक मेडल, फर्स्ट ओलंपिक मेडल, ये संतोष ने उसको गिफ्ट दिया था। I'm gonna see my face. Nope.